Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book and the name is Grammar Glitter Odyssey. And this is book 1. So today we will start chapter 17 and the name of the chapter is On, In and Under. So this is a chapter. Let's see where to use these words. So the words in, on and under tells us the position where something or someone is. किसी भी चीज की, किसी भी person की, किसी भी thing की position बताती है कि कोई चीज कहाँ है. So here you can see some pictures. First picture is a duck is in the pond. डक कहाँ है? पॉन्ड में है. तो हमने लिखा है इन. द डॉग इज अंडर द टेबल. डॉग कहाँ है? टेबल के नीचे. तो अंडर मीन्स नीचे. द कैट इज ऑन द वॉल. ऑन मीन्स ऊपर. सो द कैट इज ऑन द वॉल. सो इन का मतलब होता है अंदर, अंडर का मतलब होता है नीचे और ऑन का मतलब ऊपर. सो इन, अंडर, ऑन. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट वर्ड बाय लुकिंग एट द पिक्चर. तो पिक्चर को देखना है एंड देन वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड. द गर्ल इज सिटिंग इन द आ बेंच या फिर ऑन अ बेंच. तो बेंच के अंदर बैठी है. इन या ऑन मतलब ऊपर बैठी है. तो यस, ऑन अ बेंच. The children are sitting under the tree या on the tree. Tree के नीचे बैठे हैं या tree के ऊपर बैठे हैं. So yes, they are sitting under the tree. The boy is sitting dash a swing. तो swing के ऊपर बैठा है या फिर नीचे बैठा है. So yes, the boy is sitting on the swing. Now fourth one, the vegetables are इन द बास्केट या ऑन द बास्केट. बास्केट के अंदर है या बास्केट के ऊपर है. सो द वेजिटेबल्स आर इन द बास्केट. द रैबिट इज अंडर द टेबल या ऑन द टेबल. टेबल के अंदर है, नीचे है या फिर ऊपर है. सो द रैबिट इज अंडर द टेबल. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क या ऑन द पार्क. पार्क में खेल रहे हैं या पार्क के ऊपर खेल रहे हैं. सो यस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. आई कैन सी टू एग्स इन द नेस्ट ऑन द नेस्ट. एग्स जो है कहाँ है? नेस्ट के अंदर है या ऊपर रखे हुए हैं. सो द एग्स आर इन द नेस्ट. द गर्ल इज स्लीपिंग डैश अ ट्री. गर्ल यहाँ पे सो रही है. कहाँ पे? ऑन द ट्री. क्या ट्री के ऊपर या ट्री के नीचे? अंडर. सो अंडर अ ट्री. इन, ऑन, अंडर शो पोजिशन ऑफ पर्सन और थिंग. ये किसी भी पर्सन की या फिर थिंग की पोजिशन बताते हैं. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट वर्ड. It is raining. Get in, on, under the umbrella, said father. तो आप अम्ब्रेला को कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं आपके सिर के ऊपर. तो आप अम्ब्रेला के ऊपर, on अम्ब्रेला के क्या आप ऊपर होते हो? In अम्ब्रेला के अंदर होते हैं या अंडर अम्ब्रेला के नीचे होते हैं? आप कहाँ पे होते हैं? यस, वी गेट अंडर द अम्ब्रेला. द एप्पल्स आर इन, ऑन, अंडर द बास्केट. एप्पल अब बास्केट है तो एप्पल कहाँ होंगे? इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स बास्केट के नीचे. सो द एप्पल्स आर in the basket. The students are dash the classroom. Classroom ke in means andar hain,
On means ऊपर है या under means नीचे हैं. So the children are in the classroom. The boys are playing in the park. The cake is on the table. Table पे ही तो रखते हैं, under थोड़ा ना रखते हैं नीचे. The girls are sitting under a tree. Tree के नीचे बैठी हैं. The flowers are in the vase. जो flowers हैं वो vase के अंदर हैं. The rat is on the hole, in the hole, या under the hole. So yes, the rat is in the hole. Hole के अंदर rat छुप गया है जाके. So these are the exercises. So with this children, we have completed in, on, under. I hope it's clear to you. So with this, we conclude the chapter. I hope it's clear and I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned and take care.